ओ भाई 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 साइड हो जाओ, इस तरह वाला चलो चलो चलो, अभी चलो पहले नीचे वाला रास्ता हो जाता क्योंकि पूरा ही बह गया देख लो। और दुकानें भी देखो तहस नहस और के सामने टूटी हुई दुकानें दिख रही है मेरे को। तो ये जो एरिया है मेन अब की बार आपदा के अंदर, ये एरिया ज़्यादा प्रभावित हुआ, इस एरिया में ज़्यादा नुकसान हुआ था। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल SPT ब्लॉग पे। दोस्तों कैसे हो, होप करते हैं आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सोनप्रयाग केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए। जो इस साल केदारनाथ में आपदा आई थी उसके बाद में कैसा है नया रास्ता देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल मैं हूँ सोनप्रयाग और यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। फिलहाल सामने आप देख पा रहे हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो बीच में दो तीन दिन बंद थे और अभी रास्ता जो है वो बंद है, पुलिस वालों से बात करेंगे अगर जाने देते हैं तो। वैसे रास्ता 1 बजे तक आज बंद किया गया, 1 बजे के बाद में रास्ता ओपन होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो सारे यात्री है ना वो इंतजार कर रहे हैं कि कब 1 बजे के आसपास जो है वो यात्रा ओपन की जाए और आगे जाए। तो सारे लोग यहीं बैठे हैं, ऊपर की तरफ कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ है सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में, इसके लिए सब लोग यहीं पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। दुकानें वगैरह सारी अभी जो है वो सोनप्रयाग में फिर से खुल चुकी है, अभी कुछ कुछ दुकानें जो है वो बंद भी हो गई है क्योंकि जो बाढ़ आई थी उसके बाद में काफ़ी सारे लोगों ने दुकानें वगैरह बंद कर दी थी, घोड़े खच्चर भी नीचे आ गए थे। बट अभी फिर से है ना ऊपर घोड़े खच्चर वगैरह भी चले गए और दुकानें भी ज़्यादातर वापसी ओपन कर दी गई है। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद में रास्ता खुला है तो सभी लोग जो है वो पैदल जा रहे हैं। ये देख लो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है, भीड़ काफ़ी अच्छी खासी बढ़ चुकी है फिर से जब यात्रा ओपन हुई है। और जो रास्ता आप सामने देख रहे हो ऊपर की तरफ सब लोग पैदल जा रहे हैं। वो जो गौरीकुंड और सोनप्रयाग का रास्ता टूट चुका है, सामने एक तरफ आपको दिख रहा होगा जो स्लाइडिंग और है पूरा ऊपर तक, तो वहीं अपने को पैदल जाना पड़ेगा। उसके बाद में जो गौरीकुंड की गाड़ी है वहीं से मिलेगी। जो लोग यात्रा करके आ रहे हैं वो इस साइड से देखो ऊपर से आपको आते हुए दिख रहे होंगे, यहाँ से उतर रहे हैं क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही है तो सब लोग पैदल आ रहे हैं। और इस तरफ से जो है जो यात्रा करने के लिए जा रहे हैं उनको इस तरफ से ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। यात्रा टाइम टाइम पे बंद करते रहते हैं, लिमिटेड समय के लिए यात्रा ओपन होती है तो इसके लिए ये बोल देते हैं वहीं से जाओ भाई, उधर से जाने नहीं दे रहे किसी को भी, शॉर्ट पड़ता है वैसे वो थोड़ा सा। चारों तरफ जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि रास्ते पूरे टूट गए थे, तो यहाँ बड़ी बड़ी जेसीबियाँ जो है वो रास्ते बनाने में लगी है और काफ़ी हद तक रास्ते बना भी दिए हैं, जिसकी वजह से जो यात्रा है वो सुचारू रूप से भी स्टार्ट हो चुकी है। ये पूरा टूट गया था, ये जो रास्ता आप देख रहे हो इस सारा अभी बनाया गया है, ये देख लो नीचे भी जेसीबी लगी है, पूरा बह गया था ये सारा भाई बाढ़ के अंदर में। दोस्तों मेन जो रास्ता टूटा है वो यहाँ से टूटा है, ये देखो सामने आप देख पा रहे हो पूरा जो रोड बना हुआ था गाड़ियाँ जाती थी वो पूरा बह गया, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हो गया। देखो वो पूरा अनाउंसमेंट हो रही है जल्दी जल्दी निकलो यहाँ रुको मत, आगे तक पूरा टूटा हुआ है वहाँ तक, फिर वहाँ से अगर शायद गाड़ी मिलेगी तो मिलेगी, अदरवाइज कोई आइडिया नहीं है, पूरा स्लाइडिंग हो रखा है। पहुंच गए भाई गौरीकुंड, पीछे टैक्सी नाम ने छोड़ा, टैक्सी लेके आ गए थे। रास्ते में कई जगहों पर रास्ते जहाँ टूटे हुए थे, यहाँ पे गौरीकुंड में आप देखोगे ना जहाँ पे मेन पॉइंट है जहाँ पे यात्रा स्टार्ट होती है वहाँ पे पूरा, ये देखो कितना बड़ा पहाड़ जो है ऊपर से यहाँ कोना जो पूरा टूट के नीचे आ गया, रास्ता जो है बचा नहीं है बिल्कुल। और यहाँ से घोड़े वगैरह जो प्रीपेड बुक होते हैं प्रीपेड काउंटर है वो बना हुआ है, खोया पाया के अंदर भी यहीं पर है, और जितने भी आपको घोड़े पालकी वाले हैं वो यहीं से मिल जाते हैं। तो करते हैं अपनी यात्रा स्टार्ट, चलिए जो रास्ता है आपको दिखाते हैं कैसा हो रखा है आगे का हाल भाई। गौरीकुंड देखते हैं, गौरीकुंड में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था तो वो भी देखते हुए फिर ऊपर बढ़ेंगे। जय हो गौरा मैया की, ये भाई गौरा मैया का मंदिर गौरीकुंड में। अभी तो यहाँ पे भीड़ भी नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि यात्रा खुलते हैं, सब लोग जो है वो ऊपर चले गए जल्दी जल्दी। और इस तरफ में ये रास्ता जा रहा है गौरीकुंड के लिए जहाँ पे नहाने के लिए कुंड बना हुआ है,
यहाँ पे था भाई गोरा मैया का जो कुंड बना हुआ था, वो गर्म कुंड तप कुंड, वो देखो पूरा मलबे से भर गया था। और यहाँ पे पत्थर वत्थर आ गए, इस तरफ में बना हुआ था, अब कुछ भी नहीं बना हुआ भाई, सारा बह गया, सारा ख़त्म है। यहाँ से पूरे जो बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो ना, ये बाढ़ के टाइम के आए हुए हैं। और ये नदी में पानी बिल्कुल कम हो गया था, अभी देखो कितना ज़्यादा पानी चल रहा है, पूरा बोल्डर बोल्डर आ रखे हैं, पूरी पूरा गौरीकुंड के साइड में से बड़े बड़े ना बोल्डर बोल्डर आके रुक गए हैं। ये देखो कितने ऊंचे से पत्थर आके रुक गए हैं यहाँ पे। तो ऐसा हो गया भाई, गौरीकुंड का हाल देख लो, अभी नीचे कोई भी नहीं आता, सीधे डायरेक्ट जो है लोग ऊपर यात्रा स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आया था नीचे देखने के लिए। जो ये है घोड़ा पड़ाव, यहाँ से आपको ऊपर केदारनाथ के लिए घोड़े मिलते हैं, और जब ऊपर से आप नीचे आ रहे हो तब भी आपको यहीं तक ही ड्रॉप करते हैं। यहाँ से केदारनाथ जो घोड़े से जाते हैं उनके लगते हैं भाई 3250 रुपये प्रीपेड काउंटर से अगर आप लेते हो तो, वैसे अगर आप लोगे तो थोड़ा बहुत सस्ते में कर देते हैं, 2500 रुपये तक 2700 रुपये तक ले जाते हैं ऊपर तक। कल जब मैं गुप्तकाशी पहुँचा था ना, यहाँ पर बारिश हो रही थी और आज निकल गया भाई धूप, तो इसलिए थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ गिर रही है, धीरे धीरे चल रहा हूँ। ये जो गेट है, यहाँ गेट पर पहुँचा हूँ, जो गौरीकुंड से निकलते हैं गेट बना होता है, यहाँ से जो अपनी मेन यात्रा है वो स्टार्ट हो रही है। अभी तो भाई भीड़ बिल्कुल कम नज़र आ रही है मेरे को, इतनी कम की एक दो घोड़े चल रहे हैं, और बाकी घोड़े जो आप देखोगे खड़े हुए हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है। ऊपर जाके पता चलेगा ऊपर में कितनी ज़्यादा भीड़ है, नीचे तो गौरीकुंड में भी खाली दिख रहा था मेरे को, हाँ सोनपैक में थोड़ी बहुत भीड़ थी, तो इतनी ज़्यादा रस अभी नहीं है अगर यात्रा करने आ रहे हो तो। बाकी ऑफिशियली यात्रा जो है वो खुली हुई है, सब लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखो भाई झरने हैं, और झरने का पानी है ना, रास्ता जो बना हुआ है, ट्रैक जो बना है वहीं से चल रहा है, और साथ में पत्थर भी आ रहे हैं। जब बारिश चल रही होती है तब ऐसा हो जाता है, देख लो अभी जो लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी कुछ दिन पहले, आपदा आई थी, उसी में ये सब कुछ हो रखा है। देख लो कितने खतरनाक तरीके से बड़े पत्थर छोटे पत्थर क्या हाल हो रखा है यहाँ पे, और घोड़े से चल रहे हैं अभी, धीरे धीरे रास्ता एकदम छोटा सा ही बचा है। डेंजरस हो रखा है भाई ये वाला, इसमें अगर बारिश हो जाए तो रास्ता क्रॉस कर पाना भी मुश्किल है, इसलिए यात्रा जो है बंद हो जाती है बीच बीच में, कभी 2 दिन कभी 3 दिन बारिश के चलते ना बंद कर देता है प्रशासन। एक और झरना दिखा है जो मतलब आम टाइम पे जहाँ पे झरने का नामो निशान नहीं होता, बारिशों के टाइम पे ऐसा हाल हो जाता है, पूरा कीचड़ कीचड़ पानी पानी, और ये झरना चल गया देखो ना, इसकी वजह से भी रास्ता देखो ढह गया है पूरा यहाँ से, अभी काम चल रहा है पूरा रास्ता बन रहा है, तो बहुत सारी जगहों पर नुकसान हुआ है, बीच बीच से रास्ते काफ़ी जगहों पर टूट गए, पूरे टूट गए, देखो नया बनाया इतना है। भाई मैं जंगल चट्टी क्रॉस किया है, और जंगल चट्टी क्रॉस करते ही एक झरना आता है, वहाँ पे जो रास्ता है नया बनाया गया है, पहले पूरा रास्ता टूट गया था। ये आप देख रहे हो ना अभी जो घोड़े खच्चर वगैरह ऊपर के रास्ते से आ रहे हैं जा रहे हैं, पहले नीचे वाला रास्ता होता था जो कि पूरा ही बह गया देख लो, और अभी नया रास्ता बना दिया गया है जिसके चलते यात्रा जो है वो चालू है, तो ऊपर वाले रास्ते से आ रहे हैं आप सभी, जो पूरा हिस्सा देख लो पूरा हिस्सा टूट के नीचे गिर गया था। ये देखो यहाँ पर काम भी चल रहा है, जो पुराना वाला रास्ता था पूरा ही बंद कर दिया, सभी ऊपर से आ रहे हैं, यहाँ पर सब लोग काम करने के लिए लगे हैं सड़क पर, कि नया रास्ता अगर बन पाए या फिर जो ग्रिलिंग बननी है साइड में रेलिंग लगनी है वो लगाने के लिए काम चल रहा है अभी, और ऊपर में पुलिस भी खड़ी है ध्यान रखने के लिए, एक तरफ से रास्ता खुलता है उस तरफ से, तब इस तरफ से देखो बंद है सब, घोड़े वालों को रोक करके पैदल वाले के इधर उधर करके जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है एक साथ दोनों का आना। पुल का काम अभी यहाँ पर चल रहा है, पुल बनाया जा रहा है, ये पूरा बाहर था देखो, अब ये नया पुल टाइप यहाँ पे रेडी कर देंगे, रास्ता तो उधर से बन गया है, पुल बनना बाकी है बस, ऐसा हाल हो गया था इधर, तो इसी वजह से जो यात्राएं बंद हुई थी वो ये बीच बीच में एक दो पैच ऐसे आए हैं जिनकी वजह से यात्रा बंद हो गई थी, पूरे रास्ते ही बह गए थे, बट फिलहाल वो लोग के यात्री आ रहे हैं, यात्रा हो रही है सही ढंग से। अभी आगे का जो रास्ता है ना, यहाँ से आगे का भीमबली या फिर रामबाड़ा के आसपास, वहाँ पे ज़्यादा ही नुकसान हुआ है, वहाँ पे अभी भी रास्ते नहीं बने, पहाड़ के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं लोगों का, आगे जो है नुकसान ज़्यादा हुआ है, और काफ़ी सारे लोग उस आपदा में मरे भी थे, लोकल लोग बता रहे हैं वैसे तो 1000 तक हो गई थी संख्या, बट न्यूज़ वगैरह में वीडियो वगैरह में
ज़्यादा नहीं बताया, 100 या 50 के आसपास ही संख्या बताई गई है। आधा रास्ता कवर हो गया भाई, पहुँच गए लगभग भीमबली, और यहाँ से अब आधा रास्ता रह गया। यहाँ पे जो भाई बाढ़ आई है, यहाँ पे जो पत्थर आए हैं ना ऊपर की तरफ से, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर आ चुके हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से रास्ता पूरा तहस नहस हो रखा है। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े बोल्डर हैं ना इस झरने के थ्रू ऊपर जो आए हैं, तो पूरा यहाँ पे खतरनाक हो रखा है, डेंजरस। ये देख लो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ का रास्ता तो गायब ही हो गया, ऊपर से पानी कहाँ ही से आए हैं पत्थर जो यहाँ पे आके ठहर गए, और नीचे भी गए होंगे काफ़ी सारे। ये जगह है भीमबली की जहाँ पे नुकसान हुआ था, जो कि अभी आज से 4 या 5 दिन पहले ये रास्ता जो है फिर से चालू किया गया है, उससे पहले ये रास्ता भी बंद था। ये देखो ये रास्ते के ऊपर आगे गिरे हुए पत्थर हैं भाई, ये वाले भी रास्ता पहले थोड़ा पीछे की साइड से होता था जहाँ पे अभी ये पत्थर दिख रहे हैं आपको। भीमबली के बाद में 2 रास्ते होते थे पहले, जो कि अभी एक ही रास्ता रह गया, जो आगे की तरफ पानी आपको दिख रहा है उधर, वहाँ पे एक रास्ता था पैदल वालों के लिए, और जो घोड़े की तरह वो इस वाले रास्ते से जाते थे, तो वो वाला रास्ता पूरा बह गया, जो नदी थी उसमें सारा ही बह गया, तो इसकी वजह से वो रास्ता बंद हो गया, पुल वगैरह सब कुछ चला गया उस आपदे के अंदर। तो इसी रास्ते से जा रहे हैं सभी पैदल वाले घोड़े वाले भी, तो वो वाला रास्ता पूरा ही ब्लॉक हो गया। उस वाले रास्ते से जाने के लिए रास्ता ही नहीं पता है, क्योंकि नदी क्रॉस करने के लिए जो पुल था वो है ही नहीं वहाँ पर, तो रास्ता क्रॉस कर नहीं पा रहे, यही एक रास्ता चालू है अब भाई। 4 से 5 जगह पर ना बादल फटा था, जिसकी वजह से सारा नुकसान हुआ। मेन जो बादल फटा था भीमबली पर फटा था एक, और एक फटा था लिंचोली के आसपास में, तो लिंचोली के आसपास में जो बादल फटा उसकी वजह से पानी ज़्यादा हो गया था, और जो पुल था वो उस पानी के बहाव में बह गया। वहाँ पे जो आपको झरना नज़र आ रहा है वो ऊपर से पूरा टूटते हुए आया था, और वहाँ जो रास्ता है पुराना वाला वो रास्ता बचा ही नहीं है, पूरा रास्ता देखो आपको रास्ता दिखेगा ही नहीं, पूरा ही रास्ता बह गया। वहाँ से भी रास्ते का काम चल रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है, बाकी अभी उस रास्ते पर देखोगे ना पूरा खाली पड़ा है, और रास्ता बीच बीच में तो कहीं कहीं जगहों पर तो है ही नहीं, गायब भी हो गया ऐसा लग रहा था, जहाँ पे रास्ता कभी था ही नहीं, पूरा नीचे बह गया पानी के साथ में, सब कुछ बहा के ले गया वहाँ से। इस रास्ते पे भी है ना कई कई जगहों पे ऐसे आपको देखने को मिलेगा पत्थर आ रखे हैं बहुत सारे, बट ये रास्ता बहा नहीं, ये शुक्र है इसके लिए यात्रा भी चालू है। बाकी कई जगहों पर यहाँ पर भी स्लाइडिंग हुई है, देखो ऊपर से पत्थर आ रखे हैं झरनों के साथ में, जैसे कई कई जगहों पर इस रास्ते पर भी आपको जो टूटी हुई जगह है ना वो दिखेगी, बट अभी रास्ता चालू है ये वाला। यहाँ पे हुआ करता था भाई पुराना वाला पुल, जिस रास्ते से आना जाना हुआ करता था, वो पुल तो नज़र ही नहीं आ रहा कि पुल कहीं हुआ भी करता था, ऐसा कुछ सेफ भी नज़र नहीं आ रहा, पूरा ही पुल बह के चला गया। अभी वहाँ पे काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे शायद मैं भी पुल की कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, और दुकानें भी देखो तहस नहस हो रही है, सामने टूटी हुई दुकानें दिख रही है मेरे को। तो ये जो एरिया है मेन अब की बार आपदा के अंदर, ये एरिया ज़्यादा प्रभावित हुआ, इस एरिया में ज़्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ पे ना पूरा रास्ता जो बना था वो एक साइड चला गया, यहाँ पे बहुत तगड़ी तरीके से स्लाइड हुआ है, पूरे रास्ते पत्थर आ रखे हैं और पूरा रास्ता ही गायब हो रखा है, देख लो बहुत तगड़ा नुकसान है। ये जो देख रहे हो ना ये रास्ते का ट्रैक का बना हुआ था जो उस तरफ चला गया पूरा, ऐसे जाम लग जाता है, इतना संकटा हो गया रास्ता, तो पूरा जो यहाँ पे ग्रिल वगैरह बनी थी रेलिंग वगैरह वो सारी बह गई है, ऊपर से मलबा आ रखा पूरा नीचे। चलो जय बोले आराम से जल मेला डबे वापसी जल्दी जल्दी रास्ता बनाया जाए, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, देखो लगे हुए हैं रास्ता बनाने के लिए, यहाँ से भी बाढ़ खिसक गया पूरा। देखो
ये पूरा हिस्सा खिसक के बह गया बरसात के अंदर, और पूरा कीच वाला रास्ता और क्या कीचड़ कीचड़ हो गया पूरा ही। यह है लिंचोली के पास का हाल भाई। लिंचोली के पास में भी जो रास्ता है वो बह गया था, तो भी देख लो ये झरना। अभी तो पानी कम है, अगर पानी हो तो यहाँ पे फिर से ऊपर से पत्थर आने की संभावना है। और रास्ते भी देखोगे ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से पत्थर आए, रास्ते भी नीचे की तरफ बह गए, ये रास्ता टूटा हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अभी भी जो यात्री आ रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है अगर बारिश हो जाए तो। बारिश नहीं है तो फिर भी थोड़ा ठीक है, पर बारिशों में तो इन रस्तों को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बिना बारिश के तो लोग वहाँ घोड़ों से ज़्यादा जा रहे हैं। अभी इन दिनों तो देख रहा हूँ सब लोग घोड़ों वाले हैं, देखो पैदल कोई जा ही नहीं रहा है। जितने भी लोग हैं घोड़े से ज़्यादातर जा रहे हैं, मतलब 80% घोड़े से जा रहे हैं, 20% जो है वो पैदल दिखेंगे, तो बाकी हेलीकॉप्टर वाले। तो इन दिनों जो लोग आते हैं ज़्यादातर घोड़ों से जाते हैं, तो इस टाइम पर रस भी नहीं होता भाई। वैसे देखा जाए तो अगर कोई नुकसान ना हुआ बारिश के टाइम में ना, तो बारिश के जस्ट बाद का जो मौसम है वो केदारनाथ यात्रा के लिए बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम पर रस नहीं होता बिल्कुल भी। आप आराम से दर्शन कर पाओगे और रास्ता भी आपको खाली मिलेगा पूरा। लिंचोली के आसपास में जो शॉर्टकट बने हुए थे वो सारे बह गए हैं। अब शॉर्टकट रास्ता जो सामने वाला आप देख पा रहे हो वो रास्ता बीच में से पूरा बह गया है इस जगह से, और जो मेन रास्ता है वो भी बहुत ज़्यादा टूटा है भाई, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा। ये देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े पत्थर आने की वजह से यात्रियों को आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और जो पुलिस प्रशासन है वो जगह जगह खड़ा हुआ है, वो आराम से रास्ता क्लियर होने के बाद में ही आने जाने दे रहे हैं। तो रास्ता बहुत सारी जगहों पे टूटा है नीचे से लेकर ऊपर तक, कि लिंचोली का दिखा रहा हूँ मैं आपको। लिंचोली के आसपास तो काफ़ी हद तक बना भी दिया है, तो यहाँ सबसे मेन टूटा था नए रास्ते पे। इसके बाद में ऊपर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लास्ट नुकसान यहीं पे हुआ है जहाँ पर काम चल रहा है। ये बड़े बड़े पत्थर पहले नहीं हुआ करते थे, ये सारे अभी आए हैं। ये जो जुलाई मंथ में बाढ़ आई थी उसी के दौरान ये पहुँच गया था सारा कुछ, मलबा और बड़े बड़े बोल्डर्स। रास्ता बना ही नहीं हुआ, देखो पानी के साथ में रास्ता बना हुआ है, उसी में आना जाना कर रहे हैं लोग। ओ भाई 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 साइड हो जाए, इस तरह वाले चलो 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 अभी चलो। अरे भाई साइड हो जाओ यार घोड़े। जो ऊपर से आ रहे हैं यात्री उनको देखो ऊपर वाली साइड से भेज रहे हैं, उस जगह से बना रखा है। नीचे से आने वालों के लिए थोड़ा अलग बना रखा है, तो अभी जहाँ तक रास्ता नहीं बनेगा तो दोनों अलग अलग ही जाएंगे भाई साहब। बहुत बुरा हाल हो रखा है इस जगह पे। भाई थोड़ा उधर लेना यार, चलिए चलिए ऊपर बढ़िए ऊपर बढ़िए। भाई साहब साइड भाई साइड तो ज़्यादा टफ हो रहा है यहाँ से रास्ता, एक साथ घोड़े चल रहे हैं, रास्ता है ही नहीं, बिल्कुल संकड़ा रास्ता है। उस तरफ हो जाइए उस तरफ। अरे
आराम से भाई, आराम से। बहुत ही भयंकर तरीके से टूटे हैं भाई रास्ते, बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से। मतलब एक बंदा ही एक टाइम पे जा सकता है, दूसरे बंदे ने कोशिश करी है, घोड़ा आ गया ना तो गिरने का डर है। बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो वहाँ पे कोई दुकान हुआ करती थी भाई, वो दुकान बह गई है। देखो वहाँ का जो कूड़ा कचरा है दुकान के तिरपाल वगैरह वो बड़े हैं, बाकी पूरा बह गया है। पेड़ वेड़ देखो गिरे हुए दिख रहे हैं सामने। मलबे के साथ में गई दुकान। पिंचोली क्रॉस कर लिया है, अब सामने जो आप देख रहे हो वो है भाई बेस कैंप की चढ़ाई, उसके बाद में ऊपर पहुंच जाएंगे। 3 किलोमीटर रह गए बाबा केदारनाथ का धाम। मौसम भी है ना अभी थोड़ा थोड़ा बादल वाला हो रहा है, ऊपर की तरफ देखोगे ना उधर में बादल हो रहे हैं, इधर में भी बादल हो रहे हैं, बट जहाँ पर हम चल रहे हैं जो ट्रैक है इधर में अभी भी धूप है, तो इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, 1 घंटा और लगेगा मैक्सिमम। आपको हमने दिखाई दिया कैसा है रास्ता, बाकी दर्शन कराते हैं ऊपर पहुँच के आपको बाबा केदारनाथ के। पहुँच गए भाई घोड़ा पड़ाव, ये सामने आप देख रहे हो। यहाँ तक जो घोड़े से आते हैं वो यात्री यहीं तक आते हैं, उसके बाद में उनको यहाँ से मंदिर तक 2 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो पैदल ही करना पड़ता है। घोड़े आपको यहीं तक लेके आते हैं, और वापस जाने के लिए भी आपको यहाँ तक आना पड़ेगा अगर घोड़े से जाना है तो, यहीं के बाद आपको घोड़े मिलेंगे। स्टे के लिए टेंट वगैरह अच्छी है वो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, पर काफ़ी सारे लोग मंदिर के पास में रुकना चाहते हैं तो आसपास में भी टेंट रूम वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। यात्रियों से ज़्यादा तो भाई मेरे को यहाँ पे घोड़े नज़र आ रहे हैं, देख रहे हो रास्ते में भी यही हाल है, और घोड़ा पड़ाव में तो ये होना ही है, सारे घोड़े हैं। यात्री तो गिने चुने इनके, जो घोड़ों के चालक हैं वो दिख रहे होंगे ज़्यादातर, घोड़ यात्री तो बहुत ज़्यादा कम दिख रहे हैं। GMVN की तरफ से जो टेंट कॉलोनी बनाई गई है वो बेस कैंप पे 2-3 जगह पर बनाई गई है, जैसे वासुकी टेंट कॉलोनी है, पीछे भी एक कॉलोनी, तो इनके रेट है ना यहीं पे लिखे हुए हैं 600, 448, 560, ये अलग अलग महीने में अलग अलग रेट रहते हैं। तो आपको बेस कैंप के अंदर भी, तो जो लोग गवर्नमेंट टेंट पर रुकना चाहते हैं उनके प्राइस बता दिए, उनके टेंट यहाँ भी है और ऊपर में भी है, जो कि हेलीपैड के दूसरी वाली साइड है नदी क्रॉस करने के बाद में। ये है भाई केदारनाथ का हेलीपैड, आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो आपको मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर हेलीपैड पर उतारा जाता है, और आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस जो है गुप्तकाशी फाटा और त्रिगुनायन सिरसी से मिल जाती है, अलग अलग चार्जेस हैं हर एक जगह से, तो आप नीचे से बुक करा लें, ऑनलाइन बुक करा लें, ऑफलाइन भी मिल जाते हैं, सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा क्राउड आ रहा है तो आपको ऑफलाइन नहीं मिलते हैं। वैसे यहाँ पर भी काउंटर बने हुए हैं, ये रहा भाई ये काउंटर है सामने, अलग अलग काउंटर बने हुए हैं, अगर आपको सिरसी जाना है तो अलग काउंटर है, गुप्तकाशी या फाटा जाना है तो उसके काउंटर अलग बने हुए हैं, और अंदर हेलीपैड जो बना है वहाँ पर भी बुकिंग होती है, वहाँ पर यात्री बैठे हैं, वहाँ पर कैंप बने हुए हैं, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बना है चेक पोस्ट जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है, बट फिलहाल तो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नहीं, मतलब नॉर्मल चेक हो रहे हैं, कुछ नहीं करा रहे उनके लिए भी कोई ज़्यादा इतना ही बड़ा इशू नहीं है। इधर में रेस्टोरेंट बने हुआ है GMVN का, उधर स्वागत, उधर में स्वर्गारोहिणी कॉटेज बने हुए हैं जहाँ पर आपको डॉर्मेटरी मिलते हैं,
GMVN की तरफ से है, वो भी चार्ज रहता है 1100 रुपये एक बंदे का डॉर्मेट्री का। बाकी आपको प्रसाद वगैरह की दुकानें यहीं से रेगुलर मिल जाएगी मंदिर तक। ये देखो ट्रैक, ये रास्ता बना हुआ है, जब भीड़ होती है तो लाइन यहीं तक लगी होती है। प्रसाद वगैरह आप यहीं से भी कैरी कर सकते हैं और मंदिर के आसपास में भी काफ़ी सारी ऐसे दुकान और स्टोर लगे हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। जय श्री केदार जी, पहुँच गए हैं फाइनली मंदिर तक। सामने बाबा केदार का धाम नज़र आ रहा है और अभी देखोगे ना अचानक से मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, जो पीछे हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ नज़र आ रहा था अभी नज़र आ रहा। बाकी मंदिर पहुँचते हैं, दर्शन कराते हैं। अभी दिन के टाइम तो शायद कपाट बंद होंगे, बट मंदिर के दर्शन तो हम कर ही लेंगे, अभी आपको भी करा देंगे। लीजिए दोस्तों, कीजिए बाबा केदारनाथ के दर्शन। अभी दोपहर के टाइम पर भीड़ देखें तो नॉर्मल भीड़ ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है और इतनी बिल्कुल भी कम भी नहीं है। बाकी लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए, अभी कपाट खुले हुए हैं तो हम भी सोच रहे हैं दर्शन करके आ जाएं। बाकी भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है तो अभी दर्शन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेरे ख्याल इतनी भीड़ रहती होगी। बाकी तो आपको डेली की जो अपडेट है वो हम देते रहेंगे वीडियो में कि क्या चल रहा है केदार में, कैसा मौसम है, और हर चीज़ की अपडेट आपको वीडियो में मिलती रहेगी। फिलहाल आज के दर्शन कर लीजिए बाबा केदारनाथ धाम से, बाबा केदार के हर हर महादेव। चलिए जी हम दर्शन करते हैं। और बाकी बात करें भाई रास्ते की, तो रास्ता ठीक है, टूटा था ठीक हो चुका है, अभी यात्रा खुल चुकी है, लोग दर्शन करने आ रहे हैं। बारिश होती है थोड़ी बहुत तकलीफ ज़रूर होगी, अदरवाइज रास्ता पूरा बना दिया गया है। हाँ, जहाँ से रास्ता टूट गया था पूरा ही, उस रास्ते को चेंज कर दिया गया है। बाकी रास्ता ओवरऑल अच्छा है, आप आराम से दर्शन करने के लिए आ सकते हो, फैमिली को लेकर आ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। घोड़े चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर चल रहा है, पिट्ठू पालकी सब कुछ अवेलेबल है यात्रा के लिए। आप जैसे भी यात्रा करने चाहें, जिस भी तरीके से, उस तरीके से अपनी यात्रा जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। करते जी वीडियो एंड, हम करने जाते हैं दर्शन, आपने दर्शन कर ही लिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार, बाय बाय।